खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखने वाले प्रसिद्ध लिलौटीनाथ धाम के कपाट पहली बार नहीं खुले। कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा हुआ है कि सावन माह के सोमवार को भी धाम के कपाट नहीं खोले गए। लखीमपुर जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर लिलौटीनाथ मंदिर स्थित है। यहां करीब 40 फीट ऊंचाई वाले गुंबद के ठीक नीचे लाल पत्थर के शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। यहां की मान्यता है कि मंदिर पर हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में महाभारत काल के अश्वत्थामा पूजा अर्चना के लिए आते हैं, क्योंकि हर रोज मंदिर खुलने पर सुबह मूर्ति पूजा हुई मिलती है। हाँ जी, आज यहाँ मुख्य जारी है। ये लिलौटीनाथ धाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन माह के प्रथम सोमवार को मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद है। इसको लेकर कैसा क्या आपका सोचना है? क्या यही है समझ में तो ये जो है मतलब इंसाइट का आज तक मतलब ऐसा मतलब बंदी मतलब सावन में सोमवार के दिन मतलब नहीं हुआ। मतलब ये आपके जीवन में पहली बार ऐसा होने से किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को महसूस हो रही है? कोई किस तरह का दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं? दिक्कतें तो मतलब जैसे हमारे दुकानदार मेला लगाते थे मतलब उनको दिक्कतें हुई काफी, मतलब सामान बना के मतलब बेकार गया मतलब, और हम लोग भी दिक्कतें हुई, आर्थिक दिक्कत कुछ थोड़ी बहुत हुई तो अब कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल ऐसा है शासन के द्वारा, तो इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को या भक्तों को? यही है सभी लोग मतलब इसका पालन करें, मतलब दूरी बनाए रखें और उसका रखें मतलब मास्क लगाएं, गोछा बांधे, बस यही संदेश हम लोगों का है। और अगर मंदिर और नहीं आ पा रहे हैं तो पूजा वगैरह कहाँ? पूजा घर पे करें, पूजा घर पे। क्या अपना नाम? महान द्रौपदी मेरा नाम है जी। हाँ, ये आपको इस समय आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन माह के प्रथम सोमवार को या सावन माह में सोमवार को जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी यहाँ पे, उसके बाद इस बार पूरी तरह से सन्नाटा है, इसको लेके क्या आप कहना चाहते हैं? शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ हो कि सोमवार के दिन सावन में मंदिर बंद हो, क्योंकि हमारे जीवन काल में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ जी, क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी चल रही है जिसके कारण मंदिर स्थल सारे सिनेमाघर जितने बड़े बड़े हैं सारे बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है इसका कोई ना इलाज है, इससे पूरा विश्व इसको झेल रहा है। क्या कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? खास मैसेज यही मेरा देना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत प्रयोग करें और मास्क जरूर मंदिर में अगर आप आते हैं सोमवार गवर्नमेंट की तरफ से आदेश अनुसार जो है बात है उसका पालन करिए। मंदिर अगर आप आते हैं सैनिटाइजर लेकर आए और अपना मंदिर में दूरी बना के और जल्दी से पूजा करके चले जाएं, और बस मेरी यही कामना है आप सुरक्षित रहें और जहाँ रहें स्वस्थ रहें। नहीं, सोमवार को चूंकि शासन ने बंद रखा है तो शासन के आगे भी एक बहुत बड़ा परेशानी की वजह थी, क्योंकि सोमवार एक ऐसा दिन था जो लाखों की संख्या में मंदिर में भक्तगण आते हैं श्रद्धालु, और उनका भी कहना पड़ेगा कि उनका भी सहयोग बहुत बड़ा है, और हमारा यूपी पुलिस जो है वो भी बहुत सहयोग कर रही है। सुबह से आप बेचारे अपनी ड्यूटी से आ गए हैं, ड्यूटी पे तैनात हैं, जगह जगह का देख रहे हैं जिसमें ये बीमारी कहाँ यहाँ तक फैल ना सके, इसलिए वो अपने चारों चरण में लगे हुए हैं। हम भी सहयोग उनका भी है और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम इस वक्त लखीमपुर के बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर लिलौटीनाथ धाम में पहुंचे हैं। यहाँ पे लोगों से जब हमने वार्ता की, यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ महंत हैं जो पुजारी हैं, उनका ये कहना है कि अब तक के लखीमपुर में या उनके जीवन काल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के सोमवार को मंदिर के कपाट बंद है, यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि ऐसा इसके पहले इनका ये कहना है कि यहाँ पे लाखों की भीड़ उमड़ती थी भक्तों की, और यहाँ पे पूरी तरह से वहां से लेकर के यहाँ तक तो सारे रास्ते भरे रहते थे, भीड़ लगी रहती थी, सारी दुकानें यहाँ पे सजी होती थी, लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते थे, बाकायदा भंडारा होता था, यहाँ पे भजन कीर्तन होता था,
और एक दिन पहले से पूरी तैयारियां होने लगती थी और यहाँ पे हजारों की संख्या में दुकानें भी पूजा पाठ से संबंधित दुकानें, प्रसाद से संबंधित दुकानें यहाँ पे सजती थी जो कि पूरी तरह से सन्नाटा की स्थिति में सभी बंद है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि चूंकि हम सभी के स्वास्थ्य को लेकर के शासन ने प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसके तहत इसको बंद कराया है, उसमें हमारे प्रशासन और पुलिस प्रशासन का अहम योगदान है। कल रात से ही लेकर के पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पे किसी भी तरह से जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन न किया जाए, उसको तोड़ा न जाए, और अगर कोई किसी तरह आता है, उसकी श्रद्धा है यहाँ पे आने पूजा करने की, तो आ सकता है, बशर्ते जो COVID-19 को लेकर के जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन न हो, उसका पूरी तरह से पालन करते हुए आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो शासन ने पूरी तरह से हर एक्टिविटी को मना कर रखा है, रोक रखा है, उसमें हमारा पुलिस प्रशासन, शासन, यहाँ तक कि मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो महंत है, वो लोग भी पूरी तरह से उसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसे इस सहयोग के लिए यहाँ के हम जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो मुख्य पुजारी है, उनको भी Live24 की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और इन सबको भी इसके लिए और पुलिस प्रशासन को भी हम Live24 की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि जो आपका कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ मैं अनिल सिंह राणा Live24 लखीमपुर। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Live24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।